हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, है ना। एक मैग्नेटिज्म का एक पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। और मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन से जो अच्छी वर्मा भी दिया हुआ है, इन जनरल किसी बुक में क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो इसको मैंने होमवर्क भी दिया था और मैंने कुछ हिंट्स भी दिया था, तो शायद कुछ लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे और कुछ लोग नहीं भी सॉल्व किए होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था कि कोई एक क्या है, करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसका लेंथ क्या है, 2πr दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ क्या दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, एल भी दिया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप 2πr ही कंसिडर करो, ऐसा कोई रूल नहीं है। उसका लेंथ क्या है, एल इक्वल टू 2πr दिया हुआ है। उसको बेंड करके एक पॉलीगन, एन साइड का एक एन साइड्स का पॉलीगन बनाया जा रहा है, पॉलीगन ऑफ साइड्स एन क्या है, फॉर्म किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि उस पॉलीगन के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ 2πr हैविंग करंट I इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स एन, ठीक है। फाइंड ये में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन के सेंटर पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। इसमें बी पार्ट जो है, द फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन एन टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी। यदि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन बिकम इनफाइनाइट, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। दो क्वेश्चन है, तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, यहाँ पॉली एन साइड तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो जस्ट मैंने तीन साइड ड्रॉ किया है, ठीक है। साइड लेंथ हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। ये सेंटर है, तो आप देखोगे कि बाई सिमेट्री से यदि आप देखोगे तो ये यहाँ दोनों एंगल जो होगा, ए वाला और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। थीटा अल्फा इक्वल टू बीटा, यदि हम क्वेश्चन में देखें उस फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, आप बाईसिमेट्री से देखोगे कि एक साइड ए बी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखो आर किधर हो जाएगा, इधर, तो आर डीएल क्रॉस आर क्या होगा, आउट होगा। उसी तरह इसके द्वारा भी देखोगे तो क्या होगा, आउट होगा। इसके द्वारा भी देखोगे तो क्या होगा, आउट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बाईसिमेट्री, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगन विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड। यहां जो V का जो डायरेक्शन होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, O पे, A क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड। यहां लिख दें कि B एट O, B एट क्या होगा, O। तो B एट O का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो डॉट है, मैंने बताया था कि डॉट और क्रॉस कन्वेक्शन कन्वेंशन जब वेक्टर भी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि डॉट का मतलब क्या हो कि वेक्टर जो होगा आउट ऑफ द पेज होगा या आउट ऑफ द बोर्ड होगा, क्रॉस का मतलब क्या होगा, इनटू द पेज और इनटू द बोर्ड। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि बाईसिमेट्री, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगन विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, सेम होगा। और डायरेक्शन जो होगा क्यों, क्योंकि देखो ये डी, यदि आप इसको हम डी मान लें, इसको डी मान लें, तो हर केस में डी सेम हो जाएगा और अल्फा बीटा सेम होगा, करंट सेम होगा। इसलिए ऑल साइड्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो यूं हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एट ओ विल बी सेम। तो हम क्या करेंगे कि एक साइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें और फिर क्या करें, नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि साइड लेंथ क्या है, ए है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो टोटल लेंथ ऑफ द पॉलीगन कितना हो जाएगा, टोटल साइड लेंथ ऑफ द पॉलीगन कितना होगा, एन इंटू ए, और एन इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, 2πr अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। Where A is nothing but the length of each side of regular polygon. क्या है? Regular polygon. A कितना हो जाएगा? A equal to 2πr n हो जाएगा. बस A first part. उसके बाद यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि bisymmetry.
यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई सेमेट्री, हम बोल सकते हैं कि बाई सेमेट्री मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड ऑफ, ये क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन, विल बी, क्या होगा, विल बी ईच साइड ऑफ ए पॉलीगन, विल बी क्या होगा, विल बी सेम, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच साइड ऑफ ए पॉलीगन विल बी क्या होगा, सेम, एंड क्या होगा, सेम, एंड डायरेक्टेड, डायरेक्शन भी लिख सकता हूं, डायरेक्टेड आउट ऑफ द, क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड, मैं बोर्ड लिखूंगा, आप जब लिखना तो पेज लिखना। तो यदि मुझे नेट फील्ड लिखना होगा तो देखो ध्यान से, बी एट ओ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी वन प्लस बी टू प्लस क्या हो जाएगा, बी थ्री प्लस प्लस क्या हो जाएगा, बी एन, ये आपको समझ में आया, बी वन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड वन, बी टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू साइड टू, बी थ्री क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू साइड थ्री। अब यहां हमने लिख दिया है, ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, अब इसके अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं कि यदि आप लिख सकते हैं कि बी एट ओ, देखो तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं एन इंटू क्या लिख सकते हैं, बी, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, आप चेक भी कर सकते हो, इसमें थीटा का जो वैल्यू रखोगे, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, रेगुलर हेक्सागन होगा तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया था, तो यहां बी क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड ऑफ द क्या होगा, पॉलीगन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड, आई मीन मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड ए बी एट ओ, मैंने मान लिया है, एन क्या है, आपको ये मालूम है क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो यहां यदि मुझे स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसका यूज हम बाद में भी कर लेंगे, हम यहां क्या लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू, आई मीन स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे बी एट ओ इज इक्वल टू एन इंटू, और यहां मैं डॉट लिख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा, यही होगा ना। अब देखो क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हम जो जानते हैं कि किसी भी स्टेट वायर के द्वारा ये फॉर्मूला आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो तो यहां लिखो मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, साइन बीटा, ये तो आपको मालूम है। इस क्वेश्चन में देखो तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना होगा, देखो तो 2π अपॉन n होगा, क्या आई मीन 2π अपॉन क्या हो जाएगा, पाई अपॉन n, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया आपको समझ में आया, पाई अपॉन, यहां लिख सकते हैं देखो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2π अपॉन n, ये आपको मालूम है, तो पाई बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अरे टोटल के द्वारा कितना एंगल बनेगा, 2π ही बनेगा ना यार, तो n साइड के कोरेस्पोंडेंस कितना एंगल बन रहा है, 2π बन रहा है, तो एक साइड के कोरेस्पोंडेंस सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, तो 2π अपॉन क्या हो जाएगा, n, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई n, तो हम यहां लिख सकते हैं पाई बाई क्या लिख सकते हैं। अब आते हैं हम, देखो तो ये टोटल a है, तो a और a क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a बाई 2, मुझे d निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा क्या लिख सकते हैं, बाद में हम वैल्यू रख देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू देखो तो a बाई टू इंटू क्या लिख सकते हैं d, ये लिख सकते हैं ना, तो d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a बाई टू tan ठीक है थीटा, और d इज इक्वल टू देखो यहां से हम लिख सकते हैं a अपॉन क्या होगा बाद में हम वैल्यू रख दें, a अपॉन 2 इंटू टेन ऑफ पाई बाई क्या हो जाएगा ठीक है। अब इसको हम यदि क्या करें इक्वेशन से थर्ड मान लें तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट आई मीन सेकेंड एंड क्या होगा एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड से जब वैल्यू रखोगे कुछ नहीं है देखो इसका वैल्यू रख दो दूसरा कुछ करना नहीं है तो ये कितना होगा b is equal to क्या होगा b is equal to mu not i upon क्या हो जाएगा 4 pi d का वैल्यू रखो यहां से ये कितना हो जाएगा a upon 2 कितना हो जाएगा tan of pi by कितना हो जाएगा n into देखो ये कितना हो जाएगा अल्फा और बीटा क्या सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां 2 ठीक है 2 साइन ऑफ क्या लिखेंगे 2 साइन ऑफ पाई बाई क्या लिखेंगे 2 साइन ऑफ पाई बाई क्या लिखेंगे 2 साइन ऑफ पाई बाई यही होगा ना क्या होगा 2 साइन ऑफ पाई बाई एन लिखेंगे। तो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो बी एट बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ठीक है म्यू नॉट आई अपॉन देखो ये कितना ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ठीक है कितना हो जाएगा 4 पाई हमने कुछ गलत लिख दिया था क्या थीटा टेन थीटा सही तो लिखा ए बाई डी लिखा तो डी इक्वल टू सही लिखा है ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये कितना होगा 2 पाई अब देखो a इंटू यहाँ हम लिख सकते हैं देखो ये क्या होगा इसका डिवीजन है इसका भी डिवीजन है तो ये कितना होगा देखो ध्यान से ये d के जगह हमने रखा है तो a ऊपर चला जाएगा क्या तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू टेन ऑफ क्या होगा पाई बाई एन इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ क्या होगा पाई बाई यही होगा ना अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो b एट o इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 आई मीन पाई क्या हो जाएगा a देखो इसको और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई एन अपॉन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई एन अपॉन क्या लिख सकते हैं cos ऑफ पाई अपॉन क्या होगा ठीक है तो यही आपको क्या मिल गया एक साइड के द्वारा क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड मिल गया अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो बी अब नाउ क्या है बी एट ओ नेट मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बताया था एन इंटू क्या होगा बी तो हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई एन अपॉन क्या हो जाएगा पाई ए इंटू क्या होगा देखो साइन ऑफ साइन स्क्वायर क्या होगा पाई बाई एन डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस ऑफ क्या होगा पाई बाई एन यही होगा ना यार यही क्या हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड एड कहां मिला ओपी मिल गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे मिल गया है ना अब यदि क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो एन का भी देखो ए का वैल्यू मैंने नहीं रखा ए का वैल्यू हम रखेंगे बाद में है ना क्या है ए का वैल्यू हम आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं रख सकते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि आंसर क्या होगा ठीक है तो ए कितना हो जाएगा देखो ध्यान से अभी हम लिखेंगे बाद में ए का वैल्यू हम रखते हैं देखो अभी क्या होगा अब यहां से आपसे रिजल्ट याद रखना चाहिए अब देखो यहां यदि मैं लिख दूं ऐसे फिर हम आते हैं देखो बी बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा
एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो चलो हम यदि साइड लेंथ दिया हुआ है, अब यदि फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो क्या होगा, फॉर एन इक्विलैटरल लैटरल ट्रायंगल क्या होगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा यार, वैल्यू रख दो, तो बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू नॉट आई, थ्री म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, पाई ए इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई बाई, देखो यहां साइन स्क्वायर पाई बाई कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई क्या होगा, थ्री, तो यहां से बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, पाई ए, देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन 60 का रूट थ्री बाई टू, ठीक कितना हो जाएगा, थ्री बाई फोर इंटू क्या हो जाएगा, वन बाई क्या हो जाएगा, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, वन बाई टू, तो ये कैंसिल कर दोगे टू, ठीक है, ये टू हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी नट एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, नाइन म्यू नट आई अपॉन क्या हो जाएगा, टू पाई, तो आप क्या करोगे कि यहां क्या करना है, केवल वैल्यू रखते जाना है, तो हेक्सागन के लिए क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू क्या लिख देंगे यार, सिक्स, तो सिक्स हो जाएगा, तो कितना वन बाई फोर, ए कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू, तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब क्या होगा, व्हेन एन टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है, तो जब क्या होगा, व्हेन, यहां मैं लिख देता हूं, ए का आंसर होगा, तो ये दिया हुआ है, बी का आंसर क्या होगा, व्हेन व्हेन एन टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो देखो तो पाई बाई एन, पाई बाई एन टेंस टू क्या हो जाएगा यार, जीरो हो जाएगा क्या, और मैंने बताया था कि जब क्या होगा, थीटा बहुत ही छोटा हो, क्या होगा, व्हेन एवर थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, देखो मैंने बताया था, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ क्या होगा, पाई बाई एन इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई एन, और कॉस ऑफ पाई बाई एन is nearly equal to क्या होगा, वन, अब यहाँ क्या करेंगे, यही हम approximation यूज करेंगे, तो आसानी से आंसर आ जाएगा, अभी r का वैल्यू रख दो यहाँ, तो देखो क्या हो जाएगा, b, sorry e का वैल्यू, b at o is equal to क्या होगा, mu not i n upon 2 pi r n square होगा, क्योंकि e का वैल्यू क्या है, 2 pi r upon n है, into, देखो तो sin square क्या हो जाएगा, pi by n, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पाई बाई एन द क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर, तो हमने यहां गलत लिख दिया, टू पाई स्क्वायर आर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पाई है, पाई इंटू पाई अपॉन क्या हो जाएगा यार, ए क्या हो जाएगा, वन, है ना, ए बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट, ठीक है, आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू, यहां भी एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर, तो बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट आई अपॉन क्या होगा, 2 पाई। अभी हम देखेंगे ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, करंट कैरिंग क्या होगा, वायर, सॉरी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, तो क्या होगा, व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, देन द पॉलीगन विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्या होगा, सर्कुलर वायर हैविंग करंट सेम, तो यहां से हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, 2r, अभी हम देखेंगे कि यही मैग्नेटिक फील्ड का किसके लिए फॉर्मूला आता है, कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, 2r, वेयर r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द क्या होगा, सर्कल, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि ध्यान देना है ना, कि व्हेन n टेंड्स टू क्या होगा, क्या होगा, व्हेन, यहां लिख देता हूं नोट में, कि नोट में लिख देता हूं कि व्हेन व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी देन रेगुलर पॉलीगन
will converted converted into a क्या होगा circular wire सर्कुलर वायर हैविंग क्या होगा हैविंग सेम करंट आई एंड क्या होगा रेडियस। तो ये ध्यान देना है, देखो इधर डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं कि यही क्या है पॉलीगन है ठीक है जिसका साइड लेंथ क्या है ए इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या है 2 पाई आर अपॉन एन दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा करंट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार, किस में कन्वर्ट हो जाता है जब एन टाइम्स टू इंफिनिटी होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्कल के में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा वो होगा और रेडियस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन ठीक है। तो यहां अभी मैं प्रूव करूंगा कि बी एट ओ जो होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा 2 आर। ये हम प्रूव करेंगे। एक कभी कभी आप ध्यान देना कि व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी अभी यदि पॉलीगन का साइड जो क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए तो पॉलीगन जो होता है वो क्या होता है सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप में इतना ही क्वेश्चन था इतना ही वेरिएशन था। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप। तो सेकेंड जो टाइप है ये क्या है टाइप टू। यहां हम क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। इस फॉर्म में हम पढ़ेंगे। यहां भी मैं क्या करूंगा कि एक जनरल रिजल्ट बताऊंगा। देखो क्या है अभी जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बता रहा हूं जितने भी टाइप्स पॉसिबल है मैं डिस्कस कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी लेक्चर देखने के बाद क्या करो प्रैक्टिस करो। तो मैं ये जरूर बोलूंगा आपको बी एन शर्मा का बुक सॉल्व करो एच सी वर्मा का बुक सॉल्व करो या इवन अरिहंत का सॉल्व करो। आसानी से केवल नोटबुक देखना है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना और वेक्टर का थोड़ा क्योंकि आप मैथ्स भी पढ़ चुके हो मैथ्स में भी वेक्टर आप पढ़ चुके हो तो आई थिंक आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फिगर आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए है ना। और सिंपल डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन देखना है और फिर क्या करना है यदि सभी पार्ट के द्वारा क्या करना है अलग अलग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उनको क्या करना है वेक्टोरियली क्या करना है ऐड कर देना। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें ठीक है। तो अभी देखो कि इसमें क्या है तो मैं एक जनरल रिजल्ट आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से एक क्या है करंट कैरिंग वायर है और इस सर्कुलर आर्क में आई इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है और यहां आप ध्यान से देखना यही क्या है दिस इज नथिंग बट द सेंटर ओ और ये आर जो है कितना एंगल सेंटर में फॉर्म कर रहा है अल्फा देखना है आपको ध्यान से है ना। यही क्या है ओ दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल और इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं क्या मान रहे हैं आर मान रहे हैं। यहां इधर मैं दूसरे तरह से दिखा रहा हूं आपको देखो ध्यान से यहां क्या है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। यहां देखोगे क्योंकि डायरेक्शन भी समझना जरूरी है ऐसे बाद में यहां सेमी क्वेश्चन है लेकिन यहां हमने डायरेक्शन जो है वो क्या है अलग कर लिया। यही क्या है वो है यहां करंट ऐसे फ्लो ये दिस इज आर दिस इज क्या होगा अगेन ये वाला जो एंगल है क्या है अल्फा है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो यहां करंट देखना है तो करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे दोनों केस में ओ पे पूछा जाए तो देखो मैंने आर का डायरेक्शन किधर होगा यार कहां निकालना है यहां निकालना है ओ पे तो आर का डायरेक्शन किधर होगा इधर होगा तो डीएल का डायरेक्शन तो डीएल क्रॉस आर यहां क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड होगा। तो यहां बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आउटवर्ड जबकि यहां देखो आर का डायरेक्शन इधर
डीएल क्रॉस आर होगे तो किधर होगा? अंदर होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? अंदर। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनटू द बोर्ड। डॉट का मतलब क्या होगा? आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये दोनों केस में है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में देखना मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने क्या किया, कंसीडर किया यहां से। यही इसका क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। देखो ध्यान से, यही हमने क्या किया, करंट एलिमेंट छोटा सा कंसीडर कर लिया। ये कितना होगा? आई डी एल। अब देखो यहां देखोगे तो आर इधर है, और ध्यान से देखना तो आई डी एल और आर के बीच एंगल कितना होगा, आई डी एल और आर के बीच एंगल कितना होगा, या कैपिटल आर कंसीडर कर लो सबसे अच्छा है। तो हम पोजीशन वेक्टर भी मान लेंगे, यहाँ आर कैपिटल आर मान लेना, वेयर कैपिटल आर इज द क्या होगा, रेडियस। ठीक है, अब देखो यहाँ देखोगे तो आर का डायरेक्शन किधर हुआ, इधर। यही आर वेक्टर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर, आई मीन रेडियस के इक्वल होगा। तो देखो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट होगा, और ये क्या होगा, रेडियस। तो यहाँ एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यदि मैं बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखूं तो अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल इज क्या होगा, गिवन एज। देखो तो इसको हमने क्या लिखा, डी ओ। मैं स्केलर फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ क्या होगा, डीएल क्या, देखो तो ये कितना होता है, म्यूनट, आई मीन वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। देखो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, म्यूनट, म्यूनट अपॉन 4π। देखो तो डिस्टेंस कितना होगा यार, आर ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई डी एल क्रॉस क्या हो जाएगा, ठीक है, नहीं हमने क्या लिख दिया, डी एल क्रॉस आर अपॉन क्या हो गया, आर क्यूब, यही होता है ना। अब इनके बीच एंगल कितना है, डीएल क्रॉस आर के बीच, आई मीन डीएल और आर के बीच एंगल कितना है, देखो डीएल इधर है, सॉरी डीएल इधर है और आर इधर है, दोनों। आई डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट की तरफ होगा, और आर का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल होगा। तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां लिख सकते हो डी बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल। आर का मैग्नीट्यूड क्या है, रेडियस, तो क्या लिखेंगे, आर और साइन 90 डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर क्यू, यही होगा ना। अब देखो क्या होगा, तो यहां से लिख सकते हो डी बी एट ओ, बस यही फॉर्मूला याद रखना है, और सर्कल की इसको हम एक्सटेंड करेंगे बाद में। तो कितना हो जाएगा, म्यूनट अपॉन 4π है ना। देखो तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यूनट आई डी एल अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे यार, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखो तो टोटल आर्क लेंथ यही होगा ना, तो देखो क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बी एट ओ इज इक्वल टू और डी एल म्यूनट अपॉन 4π क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, डीएल, यही होगा ना। अब लिख सकते हैं म्यूनट आई इज इक्वल टू म्यूनट आई अपॉन बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, 4π आर स्क्वायर डीएल, आई मीन एल। एल क्या है, आर्क लेंथ, यही है ना। तो एक रिजल्ट इधी आप माइंड में रखना। देखो इस केस में हम फिगर 1 की बात करेंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही मैग्नीट्यूड आउटवर्ड, यहां क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो बाद में मैं डायरेक्शन लिख दूंगा। तो ये देखो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ
दिस इज नथिंग बट द आर्क लेंथ, दिस इज क्या है रेडियस, और ये तो आपको मालूम है दिस इज करंट। अब इससे और आसान हम कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा होगा क्या, देखो तो क्या होगा, आर्क लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं बी एट ओ इज इक्वल टू देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू क्या हो जाएगा अल्फा, हो गया यही फॉर्मूला, ठीक है। बी क्या है, अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर, एंड अल्फा मस्ट बी ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा, एट ओ, ठीक है, दिस इज अल्फा एंगल, यहां मैं लिख देता हूं एंगल मेड बाय आर्क एट इट्स क्या होगा, इट्स सेंटर, ठीक है। और यहां नोट में लिखना है ऑलवेज अल्फा, नोट में मैं लिख देता हूं अल्फा इज मेजर्ड इन क्या होगा रेडियन, ठीक है। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क या सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर डिपेंड ऑन द क्या होगा आई अल्फा एंड क्या होगा आर, दूसरा किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऑफकोर्स क्या होगा, किस मीडियम में रखा गया है उस पर क्या होगा वो डिपेंड करेगा, समझ में आया ना, किस मीडियम में रखा गया है उस पर वो डिपेंड करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड आइदर क्या हो, करंट क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा यही होगा। यदि आप फर्स्ट फिगर की बात करेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आउटवर्ड होगा, सेकंड फिगर में आप बात करेंगे आई मीन फिगर बी में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा, आउट ऑफ द बोर्ड और इनटू द बोर्ड। तो फिगर ए में आउट ऑफ द बोर्ड होगा, फिगर बी में क्या होगा इनटू द बोर्ड होगा, और ये क्या हो जाएगा सबके लिए फॉर्मूला जो होगा यही है। तो ये बी भी आई है, आपको ये फॉर्मूला याद कर जाना है रट जाना है, ठीक है। अब डिफरेंट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। अब आप खुद से देखना है कि यदि क्या होगा क्वार्टर सर्कल हो, देखो ध्यान से, अब दो डायग्राम मैं ड्रॉ करते जाता हूं आपको, एग्जाम्पल इससे क्या है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो एक तो ऐसे होगा एक, ठीक है, यहां देखना है क्या होगा फिगर ए, क्या करंट क्या है, एक फिगर ए भी हुआ, दूसरा देखो ऐसे दिया हुआ है, ये भी समझना जरूरी है, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। देखो यहां अल्फा इक्वल टू इस केस में, देखो एग्जाम्पल वन, क्वेश्चन मैं वन मान लिया यहां, ये दोनों केस में ऐसा क्यों, यहां भी देखो यहां अल्फा इक्वल टू क्या है ये अल्फा और यहां भी अल्फा, तो दोनों केस में अल्फा इज इक्वल टू क्या है पाई बाई टू। अब देखो इस केस में क्या है कि केवल ये आर के द्वारा हम फील्ड निकालेंगे, इस केस में क्या है ये दो स्टेट वाला, लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया था कि व्हेन एवर क्या होगा पॉइंट लाइज ऑन द क्या होगा करंट कैरिंग वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट कैरिंग वायर एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, आई मीन इस स्टेट वायर और इस स्टेट वायर के द्वारा यहां फील्ड क्या होगा जीरो होगा। तो दोनों सेम प्रॉब्लम है, आपको जस्ट कंफ्यूज किया गया है। मैंने क्या बताया था कि यदि मान लो कि ये क्या है ये वायर है करंट कैरिंग वायर है और इसके अलोंग कोई भी पॉइंट हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। ये भी बताया था क्यों, क्योंकि आर क्या होगा आइदर क्या हो जाएगा सॉरी एंगल क्या हो जाएगा जीरो डिग्री हो जाएगा और क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए मैग्नेटिक। तो इस केस में इसके द्वारा और इसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि क्या होगा ओ ए, तो इस केस में क्या होगा फिगर ए, देखो ध्यान से फिगर
यहाँ फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो आर इधर हो जाएगा, डीएल इधर, तो डीएल क्रॉस आर, आई मीन बोल सकते हैं कि बी एट ओ इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, फोर पाई आर, आर रेडियस मान लो यहाँ, ठीक है, आर इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई टू, और डायरेक्शन क्या होगा यार काउंटर, तो यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा एट आर। इस फिगर में हम लिख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी मैंने बताया कि इसके द्वारा यहाँ लिख सकते हैं कि फिगर क्या होगा फिगर बी, तो स्टेट वार ए बी हम लिख सकते हैं कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, तीन फील्ड होंगे, एक स्टेट वार ए, ए और ए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट क्या होगा ओ ड्यू टू वायर वायर बी ओ एंड ओ ए, मस्ट बी क्या होगा मस्ट बी, यहां भी क्या होगा हेंस द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू वनली सर्कुलर आर्क, क्योंकि ये जरूरी है ना, तो यहां लिख सकते हैं अगेन यहां भी हेंस क्या होगा बी एट टू इज बी आई मीन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा ड्यू टू आर्क, ठीक है, तो यहां वैल्यू रख दो तो बी नॉट इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा अगेन एट आर, यहां भी क्या होगा, तो ये आपको समझना है कि जो भी करंट कैरिंग वायर उस पॉइंट से पास कर रहा है उस करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो क्वेश्चंस क्या था, फर्स्ट था कि वेन क्या होगा देयर इज क्या होगा क्वार्टर सर्कल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन टू, यहां भी आप बताना देखो ध्यान से, अब ज्यादा मैं एक यहां सर्कल हमने एक ऐसे बेंड कर एक यही क्या है वो है ठीक है, ये फिगर अगेन क्या हुआ ये, अब मैं हर समय बताते नहीं जाऊंगा, यहां देखो हमने क्या किया है ऐसे ये डॉट डॉट कर दिया, आई मीन इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा, यहां चलो हमने क्या किया ऐसे डायरेक्ट, तुमको समझ में आना चाहिए कि बी मुझे ये क्या है आर ये भी क्या है, दोनों केस में आप बताओ यहां इन फिगर ए एंड बी अल्फा देखो तो अल्फा इक्वल टू क्या है, आप कैसे सोचेंगे यार, इस केस में आप सोचोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्टेट वायर, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करें, लेकिन इस स्टेट वायर के द्वारा पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो स्टेट वायर पे ही लाइन कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहां जीरो हो गया, यहां तो कोई टेंशन नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि फिगर ए में क्या होगा बोथ इन बोथ आई मीन फिगर क्या होगा फिगर ए कि बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा पाई, तो बी एट ओ इक्वल टू फॉर्मूला लिख ले म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आर इंटू क्या होगा अल्फा, यही है ना यार, ठीक है, यहां देखो डायरेक्शन क्या होगा डीएल का डायरेक्शन किधर है इधर, आर का डायरेक्शन किधर है इधर, तो डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, तो बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा फोर पाई आर इंटू पाई, तो हम लिख सकते हैं बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ डॉट साइन अगेन क्या बताएगा आउट ऑफ द बोर्ड। फिगर बी में देखोगे ठीक है, यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं, फिगर बी देखो यही क्वेश्चन तुम किसी भी बुक में तुमको मिलेगा, तो फिगर बी में क्या होगा डायरेक्शन केवल यहां भी क्या होगा फिगर बी में क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा पाई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा यहां इनटू द बोर्ड होगा, तो हम क्या लिखेंगे बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन डायरेक्ट मैं लिख देता हूं फोर आर इनटू द बोर्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपको समझ में आया कहां, इस फिगर में भी क्या है, बी एट ओ अपने को फाइंड आउट करना। तीसरा इसमें जो क्या होगा टाइप जो होगा वो क्या होगा, आई मीन तीसरा, हर केस में हम कहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां सेंटर पे। इस केस में देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां कुछ ऐसे है, ठीक है, देखो ऐसे यहां 3 फिगर में ड्रॉ कर, यही क्या वो हुआ, यहां करंट ऐसे, ठीक है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर, ये फिगर क्या हुआ ए, देखना ध्यान से, यहां एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सोचना है ये क्या होगा वो, ऐसे यहां करंट आई आ रहा है, सब में क्या होगा सेम सिचुएशन होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ दोनों केस में, देखो अभी डायरेक्शन मैंने सेम कंसीडर कर लिया, फिगर है क्या हुआ, देखो तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा क्या, यहां देखो यहां क्या होगा अल्फा इक्वल टू, यही अल्फा होगा यार, यही अल्फा होगा ना, तो यहां अल्फा, अब देखो यहां क्या करेंगे, यहां तो केवल सर्कुलर आर्क है तो इसके द्वारा फील्ड लिख देंगे या डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, यहां क्या है दो स्टेट बार है, एक ए बार ए और एक ए बार ए और एक आर्क है, तो यहां 3 मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक क्या होगा ड्यू टू दिस स्टेट बार, एक ड्यू टू दिस स्टेट बार और एक क्या होगा ड्यू टू दिस कर्व बार। लेकिन देखो तो ये पॉइंट ओ जो है इसके लाइन के अलोंग लाई कर रहा है क्या, इसलिए इस वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या होगा जीरो होगा, उसी तरह इस वायर के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई क्या बोल सकते हैं कि दोनों केस में आई मीन फिगर ए एंड बी क्या होगा, इन क्या होगा इन फिगर ए एंड क्या होगा फिगर बी, समझ में आया ना, इसके द्वारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके द्वारा तो क्या होगा पहले अल्फा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 3π/2, तो बी एट ओ क्या होगा, डायरेक्शन देख रहे हो ना आउटवर्ड, इसमें भी क्या आउटवर्ड, तो बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 3π/2, क्या होगा 2 एक कैंसिल हो गया और डायरेक्शन क्या होगा, तो बी एट ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r। तो ये आपको ध्यान देना है, कई जगह कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा गया ऐसे डायग्राम, तो याद रखना है कि जब भी क्या होगा कोई पॉइंट वायर के अलोंग लाई करे, करंट कैरिंग वायर के अलोंग लाई करेगा तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, उस स्ट्रेट वायर के द्वारा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसमें जो फोर्थ जो केस है वो क्या है, सर्कल, देखो ध्यान से, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स क्या होगा सेंटर। अब कुछ नहीं, यहां आपको बताना है, देखो ध्यान से, यही क्या है कि कोई क्या है, देखो दो डायग्राम में ड्रॉ कर, एक करंट कैरिंग वायर है, यहां करंट क्या है ऐसे, इसका रेडियस क्या है यार आर है, ठीक है, यहां देखो ये भी करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस आर है, सेंटर हुआ है, यहां करंट जो है वो क्या है, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां आप देखोगे कि दोनों में क्या है, यहां दोनों केस में
अल्फा इज इक्वल टू क्या है, टू पाई है क्या? अरे दोनों केस में अल्फा इक्वल टू क्या है, लेकिन फिगर वन में यहाँ जब देखोगे इस केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एट ओ इज, देखो तो किधर होगा, आउट होगा, किधर होगा, यदि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, आउट होगा, यदि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इन होगा। तो यहाँ बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, टू आई मीन कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन, देखो यहाँ टू पाई रखोगे तो कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हुआ, ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होगा वो क्या होगा, एट सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, टू आर। यहाँ भी क्या होगा, बी एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, टू आर, लेकिन यहाँ क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड होगा, और यहाँ क्या होगा, इन टू द बोर्ड होगा, क्या होगा, यहाँ आउट ऑफ द बोर्ड होगा और क्या होगा, इन टू द बोर्ड होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल भी क्या होगा, यहां से अभी रिजल्ट भी लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो क्या होगा, यहां से बोल सकते हैं कि बी एट ओ, हम लिख सकते हैं हेंस, हेंस लिख सकते हैं बी एट ओ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई फॉर गिवन आर। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, यदि B एट O यहां I वर्सेस डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, आई मीन B एट O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ठीक है। दूसरा यहां लिख सकते हैं कि सेकंड क्या होगा, आई मीन क्या होगा, यदि रेडियस फिक्स कर दें तो जितना ज्यादा करंट जो होगा सर्कुलर लूप में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसके सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, वैल्यू वन, ग्रेटर द करंट इन द सर्कुलर लूप फॉर ए गिवन रेडियस लार्जर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर एंड वाइस वर्सा। दूसरा क्या है, फॉर गिवन क्या होगा, फॉर गिवन आई, ठीक है, B will be inversely proportional to क्या होगा, I mean क्या होगा, for given current greater the क्या होगा, radius, क्या होगा, greater the radius of the circular loop, a smaller will be the magnetic field at its center and vice versa। तो यहां से लिख सकते हैं कि यदि B versus क्या है, R graph draw करोगे, ठीक है, for I constant, तो यहां जो रूल है B is inversely proportional to क्या होगा, तो फॉर सर्कुलर क्या होगा, हम यहां से लिख, ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना, क्या करना है, ध्यान देना। अब देखो कई क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल देखो, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब देखो यहां ध्यान से कि कॉन्सेंट्रिक क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, एक ये सर्कल है, दूसरा क्या है, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, इस केस में दोनों में हमने करंट क्या है, सेम आ, सेम डायरेक्शन, यही क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस क्या है, ये फिगर ए हो गया, ठीक है। इधर भी क्या है, सर्कुलर लूप है और यहां भी इसका रेडियस हमने r मान लिया और इसका रेडियस क्या है, यहां हमने करंट मान लिया इधर और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या हुआ, फिगर है ना। अब आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इन फिगर ए एंड बी, फाइंड क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इन फिगर ए एंड क्या होगा, फिगर बी, ठीक है।
अब देखो फिगर ए में क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। पहले तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो यहां देखो बी एट ओ, देखो तो इसके द्वारा आई मीन इनर सर्कल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो तो किधर है, बी एल क्रॉस आर, किधर है, आउट है। आउटर के द्वारा क्या है, तो दोनों के द्वारा क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो हम यहां लिख सकते हैं फिगर ए में लिखेंगे तो B at O is equal to क्या लिखेंगे, B1 plus क्या होगा B2, या यहाँ लिख सकते हैं B1 क्या है magnetic field due to inner circle और B2 क्या है magnetic field due to outer circle। अब यहाँ लिख सकते हैं कि magnetic field का direction दोनों के द्वारा क्या है outward है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो B at O equal to क्या लिखेंगे B1 plus B2, ठीक है। अब value लिख दो यार क्या होगा, B at O equal to mu not I upon क्या होगा 2 R1, R क्या है यहाँ R ही दिया हुआ है तो 2R plus क्या होगा mu not I upon क्या होगा 2 into R लिखते हैं, तो यहाँ 2 R क्या है 2R। अब जब क्या करोगे इसको add कर दो simply यार, क्योंकि दोनों के द्वारा फील्ड क्या है सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे B at O is equal to क्या होगा mu not I upon क्या होगा 2R, कॉमन ले लो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा, और यहाँ तो देखोगे तो कितना हो जाएगा B at O कितना हो जाएगा mu not I mean 3 mu not I upon क्या होगा 4R, ठीक है। उसी तरह क्या है फिगर बी में देखो ध्यान से, अब फिगर बी में क्या है दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, क्या है दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, देखो तो अंदर वाले के द्वारा क्या है इनर सर्कल के द्वारा ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है आउटवर्ड है, और आउटर के द्वारा क्या है इनवर्ड है। तो हम लिखेंगे यहां फिगर बी, फिगर बी में क्या लिखेंगे, देखो तो बी एट ओ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बी वन प्लस क्या लिखेंगे बी टू। अब किसी एक को पॉजिटिव मान लो, चलो तुम बोलो जिसको पॉजिटिव, चलो इनर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और आउटर को क्या है आई मीन आउटवर्ड डायरेक्शन क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, इनर डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। तो यहां लिख सकते हैं बी नट इक्वल टू क्या होगा बी वन माइनस क्या लिख दिया बी टू, और हमने क्या मान लिया। अब देखेंगे यदि ये पॉजिटिव आएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यार आउटवर्ड होगा, क्योंकि हमने ए ज्यादा होगा। यदि निगेटिव आएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इनवर्ड होगा। तो यहां लिखोगे तो B1 का वैल्यू क्या लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है 2R, यहां इनर का रेडियस क्या है 2R ही है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 इनटू रेडियस, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4R। अब कोर्स A जो है इससे ज्यादा है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं A कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा B at O equal to mu not I upon 4R। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है एट द O क्या है दोनों केस में क्या है आउटवर्ड है, जब लेकिन दोनों केस में क्या है वैल्यू क्या है अलग अलग। तो इस टाइप का जब भी केस आए तो हम क्या करेंगे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हर सर्कुलर लूप के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, और फिर क्या करते हैं यदि सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली क्या करेंगे मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे, यदि अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं एक को किसी को पॉजिटिव मान लो और दूसरे को निगेटिव, और फिर चेक कर लो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्लास में हम इससे और रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।